शासन के निर्देश पर 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं को विद्यालय में जाकर कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। इसी कड़ी में नगर की लोनारा रोड स्थित सत्यकोश पब्लिक स्कूल में भी टीकाकरण किया गया, लेकिन स्कूल की छात्राओं ने काफी उत्साहित होकर टीके लगवाए और मुफ्त में प्रशासन द्वारा कोरोना वैक्सीन लगाने पर कक्षा 11वीं की छात्रा कुमारी मनीषा पाटीदार और कक्षा 10वीं की छात्रा राधिका वर्मा ने प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मचारियों का आभार माना। कोरोना वैक्सीन को रामबाण बताते हुए इसके साथ मास्क का उपयोग हमेशा करने की बात भी कही। इस मौके पर सत्यकोश पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सत्यम पटेल और शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थी। सैगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। सेकेंडरी स्कूल से गाँव का आज दिनांक 3 जनवरी 2022 को हमारे विद्यालय में टीकाकरण हुआ है। हम सरकार के आभारी हैं जो इन्होंने मुफ्त में सारे विद्यार्थियों को टीकाकरण की प्रक्रिया कराने का निर्णय लिया है। हम सारे स्वास्थ्य कर्मचारियों के भी आभारी हैं। इस टीकाकरण के कई फायदे हैं। इस टीकाकरण से हम स्वयं दूसरों को बचा सकते हैं, इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है, जिससे दूसरों को भी प्रेरित होना चाहिए और सारे युवाओं व बुजुर्गों व बच्चों को इस टीकाकरण में अपना योगदान देना चाहिए। इस टीकाकरण से हम हमारे देश को इस घातक महामारी से कई हद तक बचा सकते हैं। हमें विश्वास है कि हम इस महामारी से जल्द। Myself Tanisha Patidar, I am from class 11 and I am from Satyakosh Public Higher Secondary School, Segaon. आज हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन का कार्य हुआ और सभी विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ अपना भागीदार रहे सभी विद्यार्थी और हम सरकार व जो भी नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हमारे स्कूल में आए थे उनका धन्यवाद करना चाहेंगे जो अपना समय निकाल कर हमारे विद्यालय में आए और वैक्सीनेशन से हम स्वयं को व दूसरों को कोरोना इस घातक महामारी से सुरक्षित रख सकते हैं। वैक्सीनेशन के बाद सभी विद्यार्थी स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वैक्सीनेशन के पश्चात भी हमें मास्क लगाना, हाथ धोना व दो गज की दूरी बनाए रखना चाहिए क्योंकि जान है तो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।